नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज जो है टेकमैन ग्रुप के डायरेक्टर श्री पलाश अग्रवाल जी, और इनसे आज हम व्यूज जानना चाहेंगे, चूंकि आज बजट पेश किया है हमारे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने, और काफी चीजें उसमें देखने को मिली है रियल एस्टेट के मामले में। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर समराइज करें रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट में क्या था? देखिए, इस बार हमें ऐसा लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है। चार पांच चीज़ें जो मुख्य रही हैं, एक तो जो कैपिटल गेन का जो बेनिफिट था, वो पहले ये था कि आप एक ही फर्दर हाउस खरीदते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं उस कैपिटल गेन को, उसमें एग्जम्पशन होगा। पहली बार गवर्नमेंट ने उसको दो हाउसेज की इलाज रखा है, एंड टू आ कैपिटल गेन ऑफ 2 करोड़। तो इससे मेरा ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स है उसका एक सोच रियल एस्टेट की तरफ से रियल एस्टेट की तरफ दोबारा होगा। दूसरा बेनिफिट जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति का सेकंड हाउस था, उस पर जो नोशनल रेंट पर इनकम टैक्स लग रहा था, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो वो एक मिडिल क्लास को बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जो रियल एस्टेट डेवलपर को अफोर्डेबल हाउसिंग में जो प्रोजेक्ट ला रहे थे उनको मार्च 19 तक रजिस्ट्रेशन कराना था, उसमें उनको इनकम टैक्स की छूट थी। दैट डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टू मार्च 31 मार्च 2020 तक। चौथा बेनिफिट जो डेवलपर्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री थी, वेदर इट इज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, उस पर भी एक नोशनल टैक्स लग रहा था, तो उसको भी 2 साल के लिए फर्दर एग्जेम्प्ट कर दिया है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंट दिया है कि वो जीएसटी काउंसिल को उन्होंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है फॉर रिव्यू ऑफ द जीएसटी रेट्स ऑन रियल एस्टेट सेक्टर, तो और जब उन्होंने हिंट दिया है तो हमें पूरी उम्मीद है वो रेशनलाइज होगा और कम होगा। दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बूस्ट टू आवर सेक्टर। तो ओवरऑल अगर समराइज करें, दूसरा जो 5 लाख तक की लिमिट कर दी है नो टैक्स की, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। और ऐसा और जिस तरह से उन्होंने रियल एस्टेट को 2-3 बार मेंशन किया है, तो उससे लगता है गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से सेक्टर को उठाना है। तो ओवरऑल हम देखें तो ऐसा लगता है कि थिंग्स विल बिकम बेटर देयर आफ्टर। अगर मैं इन सब जॉब में पॉइंट्स गिनाए हैं जी, अगर मैं कहूँ कि इसमें से हीरो पॉइंट जो कि सबसे मेजर पॉइंट है जो बूस्ट देगा रियल एस्टेट, वो कौन सा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कोई भी सिंगल पॉइंट को आप पूरा क्रेडिट तो नहीं दे सकते। जो टोटल इफेक्ट आएगा सबका मिला जुला इफेक्ट आएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अलग अलग पैरामीटर्स को अटैक किया है कि सबका एक कंबाइंड उन्होंने, आप देखें तो डेवलपर साइड को भी कुछ रिलीफ दिया है, कुछ कंज्यूमर साइड को भी रिलीफ दिया है। और मेजर ब्रेक थ्रू मुझे लगता है जिस दिन ये जीएसटी का मैटर फाइनल हो जाएगा और इसके रेट्स रिवाइज हो जाएंगे, वो सबसे बड़ा बूस्ट होगा जिसका एक सेंटिमेंटल और कमर्शियल इफेक्ट दोनों होगा। ग्रेच्युटी में भी उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है जी जी, तो इसका भी आप देखते हैं कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट वापस रियल एस्टेट के अंदर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ओवरऑल फोकस देखें तो उनका, क्योंकि रियल एस्टेट एक इतना बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेटर है, और इससे 100-200 इंडस्ट्रीज अपने आप से आगे से लिंक से चलती हैं, चाहे सीमेंट हो चाहे इंडस्ट्री हो, तो ओवरऑल फोकस जो है वो काफी अच्छा फोकस है। तो गोइंग फॉरवर्ड इससे अगर हम टेक अवे लेके चले तो क्या लगता है कि इससे क्या आगे गवर्नमेंट क्या करना चाहिए इसके आगे? हमारी एक एक्सपेक्टेशन और है कई सालों से हमारी इंडस्ट्री की, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, कि अगर हमारे सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा और ये दे दें तो हमको लोगों को जो फाइनेंसिंग में दिक्कत होती है वो काफी बड़ी सर हो जाएगी हमारी। अगर ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाएगी, फंडिंग मिलना भी आसान हो जाएगा, तो हमारे लिए काफी बड़ा एक हेल्प हो जाएगा। और सबसे बड़ा अब इंतजार है जीएसटी काउंसिल के निर्णय का कि अगर इसको 5% तक वो ले आते हैं तो दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बूस्ट, वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, गेम चेंजर होगा। क्योंकि सर्विस टैक्स लास्ट में 4.5% था, तो एक मार्केट को एब्जॉर्ब करना 4.5% के बाद सीधे 12% जो हो गया था जीएसटी, उसका नाम बदला था, तो बैलेंस गड़बड़ हो गया था। अगर 5% पे आ जाता है तो लगभग वो 4.5-5 एक ही बात है, उसी पे वापस आ जाता है, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि वो 5% के आसपास आ जाए। थैंक यू सर। दोस्तों, हमने देखा किस तरह से सर का कहना है कि जो जीएसटी के अंदर जो हिंट दी गई है पीयूष गोयल जी द्वारा कि जो काउंसिल रिव्यू कर रही है उसको, और वो कहीं ना कहीं शायद 12% से 5% या 5% ना तो 8% पे अगर आके रुकता है तो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा मार्केट के लिए। उसके साथ साथ जो बाकी जो अनाउंसमेंट्स की गई है उसका एक मिला जुला असर मार्केट के अंदर जाएगा और एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आ सकता है। सो सर, आपके हिसाब से ये थम्सअप है बजट? बिल्कुल थम्सअप। सो इट्स अ थम्सअप फॉर द बजट। Thank you for watching. Thank you, sir. Thank you.